हेलो गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भानु गेमिंग जोन में। मैं आपको बताने वाला हूँ FFCS में आने वाले जो आइटम्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे और किस इवेंट पे मिलेंगे। सारी वीडियो में आपको बिल्कुल ही विस्तार में बताऊंगा, तो गाइस बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, बहुत जल्द ACI टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। एशिया में जितने भी सर्वर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, उन सब में बैटल स्टार्ट होने वाली है, तो उसी का नाम है FFCS। उसके आइटम्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और कैसे मिलेंगे ये भी बताऊंगा। वैल्यू पैक इवेंट, ब्लैक फ्राइडे इवेंट और स्पिनिंग व्हील इवेंट, ये तीनों हमको देखने को मिल सकते हैं आगे जाके। इसी मंथ में ये तीनों हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसी मंथ में या फिर अगले मंथ में हमें देखने को मिल सकते हैं। पैसल रॉयल में बिल्कुल ही नया एक वेब इवेंट आने वाला है, वो आपको दिखाने वाले हैं, जिसका और गाइस दिखाएंगे आपको फ्री में डायना कैरेक्टर आपको कैसे मिलने वाला है, और साथ ही बर्मुंडा रीमास्टर मैप हमें कब तक गेम में देखने को मिलेगा उसके बारे में बताने वाला हूँ। और एक बिल्कुल नया आयरन फोर्ट्रेस इवेंट के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो इंडोनेशियन सर्वर में आया है। सबसे पहले गाइज आपको बता देता हूँ FFCS के कुछ नए आइटम्स के बारे में। ये गाइज मेल एंड फीमेल के मेन बंडल होने वाले हैं FFCS में। ये FFCS के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएंगे। FFCS में जो भी मेन चीज होंगे, मेन बंडल जो भी होंगे, वो यही बंडल होंगे। ये दोनों बंडल FFCS में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों में से कोई ना कोई आपको फ्री में भी मिल सकता है, फ्री में मिलेंगे या फिर किसी वेब इवेंट में आएंगे, ये भी कन्फर्म नहीं हुआ है। आइटम्स आने कन्फर्म हैं, बाकी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये गाइस हमारा आने वाला वेपन रॉयल हो सकता है या फिर ये किसी वेब इवेंट में भी आ सकते हैं। अभी इसके चांसेस वेपन रॉयल में ही आने के हैं, क्योंकि ये लॉबी में आपको देखने को मिल जाती है। इसका रेट ऑफ फायर डबल होगा और इसकी एक्यूरेसी बढ़ा दी गई है। क्या कम क्या नहीं किया गया है वो मुझे पता नहीं लगा है अभी। तो गाइस ये जो गन है, ये वेपन रॉयल में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रखती है। रोजा की भी ये सेकेंडरी स्किन आपको देखने को मिलने वाली है, इसी की थीम पे बेस्ड। और ग्रोजा का कुछ पता नहीं है क्या इसका एटरीब्यूट्स वगैरह हैं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लग पाया है, पर ये भी आपको देखने को मिल जाएगी और ये लेजेंडरी नहीं है। और गाइस साथ में ये ग्रेनेड का स्किन भी आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सही मतलब ओपी होने वाली है ये ग्रेनेड की स्किन भी। ये या तो टॉपअप इवेंट या फिर फोकट में देखने को मिल सकती है। बैक की स्किन भी ये देखने को मिलने वाली है FFCS में, इसी की थीम पे बेस्ड है। एक्चुअली यार ये सारी चीज़ें FFCS के थीम के बेस्ड पे रखी गई हैं। आइटम्स का नाम ट्रेन दी उथोरिया के नाम से रखा गया है। अब देखने को ये है कि इंडिया के सर्वर में किस नाम से देखने को मिलते हैं। ये एक बैक की स्किन और ये दूसरे बैक की स्किन, ये भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकती है देखने को, या फिर किसी टॉपअप इवेंट में भी आ सकती है। और हमको एक सर्फबोर्ड की भी स्किन देखने को मिलने वाली है, एक नहीं मतलब कि दो देखने को मिलने वाली है। एक ये होने वाली है लेजेंडरी नहीं कह सकते इसे, मतलब कि एक ये होने वाली है और एक और दूसरी भी होने वाली है, उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। और एक ये वाली होने वाली है, इसको तो लेजेंडरी मतलब बिल्कुल ओपी है, ये वाली तो मेरी फेवरेट है, ये वाली काफ़ी अच्छी है ये वाली स्किन। ये आपको टॉपअप इवेंट या फिर देखने फ्री में भी देखने को मिल सकती है। और इसका इफ़ेक्ट भी अच्छा खासा दिया गया है, इफ़ेक्ट इसका बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। और ये गाइस हमारा लूट बॉक्स होने वाला है, लूट बॉक्स भी मतलब कि ठीक ठाक ही है, लेजेंडरी नहीं कह सकते इसको, मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब है काफ़ी अलग तरीके का, पहला ऐसा लूट बॉक्स नहीं देखा मैंने। और ये होने वाला है हमारा पैराशूट भी मतलब कि ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कुछ। गाइज ये कुछ हमें कुछ टोकन वगैरह कलेक्ट करके एक्सचेंज करने में भी मिल सकता है, अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ गाइज ये हमारी गाड़ी की स्किन होने वाली है, लैम्बोर्गिनी, बिल्कुल ही मस्त हो रही है, ऐसी स्किन तो आई नहीं अभी तक, मतलब बिल्कुल ओपी लग रही है ये, बिल्कुल क्या ही बात करें यार गाइज इसकी, मतलब ये वाली लेनी मतलब कि मेरे को तो लेनी है। और ये गैरिना हमें फ्री में भी दे सकती है और एक्सचेंज में भी दे सकती है, देखते हैं अब क्या होता है। ये अवतार होने वाला है हमारा और उसके साथ ही ये बैनर होने वाला है हमारा। बैनर और अवतार हमें किसी वेब इवेंट में एक्सचेंज में भी देखने को मिल सकते हैं या फिर फ्रेडेड व्हील इवेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। और गाइस ये टोकन होने वाले हैं जिनको कलेक्ट करके आपको फ्री में रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। एंड गाइस ये तीनों रिवॉर्ड हैं जिनसे आपको एक्सचेंज करने में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो देख लीजिए तीनों अगर आपको गेम में दिखे तो कलेक्ट करते रहिएगा, वैसे तो FFCS में ही मिलेंगे ये तीनों आपको।
एंड गाइस, नेक्स्ट इवेंट होने वाला है हमारा ब्लैक फ्राइडे इवेंट। नहीं जानते हो तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ यार आपको। मैं गाइस, तीन टैक्स आपको दिए जाते हैं, 80%, 51%, 27%। इसमें आपको यहाँ पे गाइस, आपको हर टैग में एक ऑफर मिलेगा कि आप कितने डायमंड खर्च करोगे। यानी कि आप 208 डायमंड खर्च करोगे तो आपको 51% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 160 डायमंड खर्च करोगे तो आपको 27% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ब्लैक फ्राइडे इवेंट है, ये हमें फ्राइडे के दिन ही देखने को मिल सकता है। ये अगले फ्राइडे को भी देखने को मिल सकता है हमें। देखते हैं यार, अभी डिस्काउंट इवेंट आया है हमारा रिसेंटली। देखते हैं यार इस बार कौन सा डिस्काउंट इवेंट हमें फ्री फायर गरीना वाले देते हैं। ये इवेंट भी यार ठीक ठाक ही है, तो गाइज इसे भी आ ही जाना चाहिए। तो गाइज, एक बिल्कुल नया आइडन फोल्डर्स का बंडल भी हमें देखने को मिला है इंडोनेशिया सर्वर में, और ये इंडियन सर्वर में भी बहुत जल्द आ जाएगा। काफी लोग बोल रहे थे कि ये मिस्ट्री शॉप में आ जाएगा, क्योंकि गाइज आने का बहुत कम चांस लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी वेब इवेंट में आ गया है गाइज। एंड गाइज, मिस्ट्री शॉप में वही बंडल आते हैं जो कभी किसी वेब इवेंट में नहीं आए हों। हो सकता है ये मिस्ट्री शॉप में देख लिया जाए, आप लोग देख सकते हो गाइस। मुझे ये एक स्पिन में ही मिल गया, मैं स्पेशल स्पिन किया 30 डायमंड्स का और मुझे ये बंडल मिल गया। इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, 10 स्पिन, एक स्पिन और स्पेशल स्पिन। मैं तो कहता हूँ गाइस, आप स्पेशल स्पिन ही करना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। एंड गाइस, आयरन फोल्डर्स का मेल बंडल भी हमें देखने को मिल सकता है किसी वेब इवेंट में। ये सारे के सारे जो मैंने वेब इवेंट आपको दिखाए हैं, ये इस वीक के अंदर अंदर आपको हमारे गेम के अंदर कुछ कुछ देखने को मिल जाएंगे। इनकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, हर सर्वर में अलग अलग इवेंट आ रहे हैं। जैसे इंडियन सर्वर में लेवल अप शॉप आया, तो किसी किसी सर्वर में अभी लेवल अप शॉप नहीं आए हैं। और गाइज, ये बंडल काफ़ी अच्छा है, अगर ये फोकट में मिल गया तो मज़े आ गए मतलब। और इसके लेफ्ट में जो बंडल देख रहे हो आप, हेलोवीन थीम पे बेस्ड, ये भी लॉगिन रिवॉर्ड के तौर पर अगर मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। मिल भी सकता है ये हमें लॉगिन रिवॉर्ड में, क्योंकि ये सिंगापुर के सर्वर में आया था, और सिंगापुर के सर्वर में जो आता है इंडिया के सर्वर में आता ही आता है। एंड गाइज, ये भी लक रॉयल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। इसकी एक इमेज मेरे को मिल पाई है, इस एक इमेज में देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है। जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी तो ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये अभी मिलने वाला होता तो इसकी डिटेल्स हमें भर भर के मिल जाती। इसमें इतने सारे बंडल दिए गए हैं यार गाइज, मेरे को तो यार समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। आपको अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या है ये। की डिटेल जैसे ही हमको मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, पर अभी इसकी सिर्फ एक ही फ़ोटो मेरे को दिखी है। एंड गाइस, डायना या दिशा जो भी करेक्टर आने वाला है नया, वो हमें FFCS के टाइम पे बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल सकती है। डायना करेक्टर के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता दिया है, जो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप उसे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे सर्वर में गाइस इनके कुछ टूर्नामेंट चल रहे हैं, जिसमें डायना करेक्टर कुछ कुछ को मिल भी चुका है। और इंडिया में भी गाइज अभी FFCS स्टार्ट होने वाला है, तो काफ़ी बड़ा इवेंट होगा गाइज, जिसकी थीम पे आइटम्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। पर पक्का नहीं है कि गाइज कि आपको डायना या फिर जो भी करेक्टर है वो आपको फ्री में ही मिले, क्योंकि जय करेक्टर बाहर के बहुत सारे सर्वर्स में डायमंड में देखने को मिला था, और इंडिया के सर्वर में बिल्कुल ही फ्री में आया था। वो एक पज़ल को वो करना था, शेयर करना था, जिसमें आपको जय कैरेक्टर बिल्कुल ही फ्री में मिल गया था। तो गाइस, अब बात करते हैं बरमुंडा रीमास्टर मैप की। बरमुंडा रीमास्टर मैप नवंबर में ही आपको देखने को मिल सकता है, नवंबर लास्ट में, या फिर OB25 अपडेट में तो आपको पक्का देखने को मिल जाएगा, या फिर FFCS में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि OB24 की थीम ही थी बरमुंडा रिमास्टर मैप, पर OB24 में अगर नहीं आए तो OB25 में पक्का ये मैप आपको देखने को मिल जाएगा। पर फिलहाल जो बरमुंडा रिमास्टर मैप की है, उनकी डेट फ्री फायर गरीना वालों ने अभी तक कंफर्म नहीं की है, तो अभी मतलब कि OB25 अपडेट में तो पक्का देखने को मिल सकता है ये, क्योंकि OB24 अपडेट आया ही था बरमुंडा रिमास्टर मैप के अपडेट के लिए। एंड गाइज, आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज़ इतनी लो क्यों आ रही है, क्योंकि गाइज मैं ये वीडियो जो है ये रात के 11:30 बजे बना रहा हूँ, और इस टाइम पे अगर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलूँगा तो घर वाले सब उठ जाएंगे, और फिर मतलब कि वीडियो कैसे बनाऊँगा मैं। तो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू गाइज़।